एवरीवन, मैं हूँ रानी चैटर्जी और आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति आने वाली है, क्योंकि मकर संक्रांति कई लोगों के लिए नया साल आता है, नए अच्छे अच्छे काम मकर संक्रांति के बाद शुरू करते हैं। सो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ मकर संक्रांति कब गुजरे और हम नए काम पर लौटें। विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है, टीवी में भी एक्टिंग करनी होती है, फिल्मों में भी एक्टिंग करनी होती है। हाँ, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, टीवी में बहुत हैक्टिक होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग मुझे नज़र आते हैं, तो मज़ा आता है दोनों जगह पर। देखिए, एक्टर तो को तो एक्टिंग ही करनी होती है। फिल्मों में ऐसा होता है कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, एक्ट्रेस की शक्ल पे थकान दिख रही है चलो कल कर लेंगे, लेकिन टीवी में ऐसा नहीं होता। एक्ट्रेस की शक्ल पे थकान दिख रही है यार, उसको नारियल पानी पिलाओ यार, वो फ्रेश दिखनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो ज़्यादा, वो लोग हैटिक होते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। हर एक बंदा परफेक्ट होता है, कोई मतलब लेट लतीफ़ नहीं होता है वहाँ पर। सो मज़ा आता है दोनों जगह पर, मुझे मज़ा आता है। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं भी खुद को टीवी में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मेरी फैमिली के जो गर्ल्स हैं, औरतें हैं, वो टीवी ज़्यादातर देखती हैं, तो वो लोग मुझे टीवी पर देखेंगे, मैं भी अपने आप को टीवी पर देखूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि जब भी मुझे टीवी ने बुलाया है इन कोई अपेयरेंस के लिए, तो बहुत ही कमाल के अपेयरेंस के लिए बुलाया है, हमेशा बहुत ही कमाल के रोल के लिए बुलाया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं देखूंगी खुद अपने आप को टीवी पे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही फ्रेश गाना बनाया था। अक्सर क्या होता है कि टीवी पे जब हम कोई गाना करते हैं तो हमारे जो गाने ऑलरेडी हिट हैं हम उस पर परफॉर्म करते हैं, अपना अपेयरेंस देते हैं। बट सिंदूर की कीमत के टीम ने, फोर लाइन्स टीम ने एक नया गाना क्रिएट किया और बहुत ही अच्छा गाना क्रिएट किया। यूट्यूब पे लोगों ने मतलब इतना पसंद किया उस गाने को, आई एम वेरी हैप्पी। और मेरा अपेयरेंस बहुत लोगों को मज़ा आएगा क्योंकि लोग उठकर नाचेंगे उस गाने को सुन के। नहीं, बट आई थिंक अगर एक्ट्रेस बहुत अच्छी डांसर है और डांसर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बहुत ही परफेक्ट कर रहे हैं, तो गाना एक दिन में भी ख़त्म हो जाता है। ऑलमोस्ट मैंने अपने हिट से हिट गाने एक दिन में ख़त्म किए हैं। बहुत मज़ा आया। पहले रिहर्सल्स हुई और हमने आधा दिन तो रिहर्सल्स की। जल्दी गाना ख़त्म होने का रीज़न ही यही था कि हमने पहले बहुत अच्छे से रिहर्सल्स कर ली थी और कैमरामैन से लेके पूरी टीम बहुत ही सेट पे एकदम मौजूद थी, एकदम तैनात थी एकदम से कि हर शॉट। और लकीली हमारे शॉट रिटेक नहीं हुए, तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत थक भी गई थी लेकिन लकीली हमारे रिटेक्स नहीं हुए। वो सारे शॉट वन टेक शॉट हैं जो उस गाने में एडिट हुए हैं। आई डोंट नो, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि एक एक्टर को सिर्फ एक एक्टिंग से मतलब होता है। लाइट्स कितने भी लगा दो, नहीं लगाओ, वो काम में मैं नहीं पड़ती। बस मुझे परफॉर्मेंस देनी है, सो मैं परफॉर्मेंस देती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा था। देखो, मैं वहाँ जब गई ना तो मुझे बहुत प्यार दिया सबने और बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे मेरे डांस को लेकर, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबके साथ। सीन्स शूट किए मैंने, सारे एक्टर बहुत ही मेहनती हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे ज़्यादा मेहनती वो लोग हैं क्योंकि वो एवरीडे जाते हैं और इतना हैवी लुक लेकर, खासकर फीमेल्स एवरीडे शूट करती हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा उन सबको देख कर। आप अभी फिल्मों में काम करते थे, अभी आप सीरियल में भी आ रहे हैं, तो आने वाला प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरी 3 फिल्में ऑन फ्लोर हैं, मेरी वेब सीरीज़ भी आ रही हैं, मेरी 5 वेब सीरीज़ रेडी हैं और 3 फिल्में रेडी हैं, तो मैंने बहुत सारा काम करके रखा है। अभी धीरे धीरे प्रमोशन शुरू होगी तो आएगा। पतंग उड़ाई है मैंने, पतंग जब हम छोटे थे तो बस वो लड़के खासकर ये पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो लड़कियों को बहुत ही कम मौका देते हैं, तो मैंने भी उड़ाई है। लेकिन आज ही मेरे घर में बच्चे बोल रहे थे कि पतंग उड़ानी है, तो शायद मैं कल पतंग उड़ाऊंगी। मैं यही कहूंगी, केयरफुली करिएगा, केयरफुली इन्जॉय कीजिएगा मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति की अपनी एक अहमियत है उस दिन की, दैट्स वाई इस इतने धूमधाम से मनाया जाता है। बट इस वजह से हमारे पशु पक्षियों को प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर केयर कीजिएगा। मैं मेरा इस साल का टारगेट है कि मैं टीवी में भी नज़र आऊं, क्योंकि हमारी टीवी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं चाहती हूं कि टीवी, थिएटर, एल्बम, हर जगह मैंने ओटीटी हर जगह धूम मचा रखी है, तो अब टीवी पे भी मचानी है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सिंदूर की कीमत और मेरे और भी अपकमिंग शोज आने वाले हैं। ऑफकोर्स मैं तो चाहती हूँ कि जब तक जान है तब तक मैं दर्शकों को एंटरटेन करती रहूँ। Thank you.
a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.